हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफ फार्मा टिप्स में मैं सत्यम मौर्य, फार्मासिस्ट एंड मेडिसिन कंसल्टेंट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोस्कार्ट्स क्रीम के बारे में। इसकी पूरी जानकारी देंगे, इसके अंदर साल्ट कितना रहता है, ये कितने ग्राम के पैकिंग में आती है और इसको कौन सी कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया है, मतलब इसको कौन सी कंपनी ने बनाया है इस प्रोडक्ट को। तो आज इस वीडियो में पूरी डिटेल आपको बताएंगे और लास्ट में बताएंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में। सो फ्रेंड्स, नोस्कार्ट्स क्रीम के अंदर तीन साल्ट के कॉम्बिनेशन ये क्रीम आती है। पहला हाइड्रोक्विनोन, जो कि 2% वेट बाय वेट में होती है, जो कि स्किन लाइट में काम आता है, जो कि स्किन को गोरा बनाता है। और जो दूसरा इसका साल्ट रहता है वो मेमेटासोन रहता है, जो कि 0.1% वेट बाय वेट में रहता है। ये जो होता है एक स्टेरॉइड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि स्वेलिंग और रेडनेस को कम करता है। जो इसमें तीसरा साल्ट रहता है वो ट्रेटिनोइन रहता है, जो ट्रेटिनोइन इसमें 0.25% वेट बाय वेट में रहता है, जो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। तो दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 225 रुपए में ये क्रीम आपको आसानी से मिल जाएगी। और जो इसकी पैकिंग आती है वो 20 ग्राम के पैकिंग में आती है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसके मैन्युफैक्चरिंग की, जो बनाने वाली कंपनी है वो टार्की फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको मैन्युफैक्चरिंग किया है, मतलब इस क्रीम को उस कंपनी ने बनाया है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके यूज की, तो इसका जो मेनली यूज होता है वो ब्लैक स्पॉट यानी काले धब्बे जो पड़ जाते हैं और उस मेलाज्मा में भी यूज किया जाता है। और इसका यूज जो रहता है वो प्रेगनेंसी के बाद कई महिला को जो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं या काले धब्बे हो जाते हैं तो उसमें भी ये यूज किया जाता है। और दोस्तों एक बात क्या और ध्यान रखें कि अगर इस क्रीम को लगाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें, तभी इस क्रीम को यूज करें, क्योंकि ये आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन तक लगाना है और कितना यूज करना है। सो ये अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बर्निंग हो सकता है, इचिंग हो सकता है या रेडनेस आ सकती है। तो बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है, इसका मेन यूज कैसे किया जाता है। सबसे पहले अपने फेस को वॉश कर लें, उसके बाद अपने फेस को अच्छे से सुखा लें, फिर उसके बाद जहां पे आपके इफेक्टेड एरिया है वहां पर इस क्रीम को थोड़ा सा लें और वहां पर अप्लाई कर लें। अगर आप नाइट में इसको इस क्रीम का यूज करते हैं तो आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक बात का ध्यान और रखें कि इस क्रीम को आपको धूप में लगाकर नहीं निकलना है। तो दोस्तों हमने आपको इस क्रीम की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।